फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपकी बोगनविलिया पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है जिससे कि आपकी बोगनविलिया पर भी ढेर सारे फूल आए। तो आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको केयर करें इसकी, ताकि आपको ढेर सारे फूल बोगनविलिया पर मिल सके। तो सबसे पहला तो ये है कि इसको आपको खुली धूप में रखना है, यानी कम से कम ऐसी जगह रखें जहां पर 5-6 घंटे की इस प्लांट को धूप मिलती हो। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि इसमें आपको पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है। जब आपको लगे, ये देखिएगा, मिट्टी सूख रही है, इसकी ऊपर की लेयर सूख गई है, तभी आपको इसमें पानी देना है। और समय समय पर आपको इसकी गुड़ाई करनी है। ये देखिएगा, इस तरह से आपको इसकी टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहें जिससे कि इसके रूट्स को भी एयर मिलती रहे। तो ये मैंने इसकी, देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, बस हल्के हल्के आपको 1 इंच तक की इसको गुड़ाई करके, इसकी जो भी इसमें खरपतवार हो जाती है, वीड्स हो जाती है, वो आप उनको निकाल दें। इस तरह से देखिए, ये हमने इसकी हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दी है। और ये देखिए, इसको हमने निकाल दिया है, ये जितनी भी जो खरपतवार है, जितनी भी ये निकल आती हैं, ये घास वगैरह, इसको आप इस तरह से हटा दें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपको बता दूं कि मैंने 1 महीने पहले इस पर ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अभी, ये इस खाद का मैंने इस्तेमाल किया था। क्योंकि देखिए, ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जितने भी, इनको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, तो ये हैवी फीडर होते हैं। तो इसके लिए अगर हमें रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़े थोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने, ये देखिएगा, कुछ एक इस प्लांट के लिए ये कुछ इस तरह से ये दाने हैं, ये है DAP। तो मैंने इसके लिए DAP इस्तेमाल किया है। तो ऐसे जिस तरह से आपने एक, जब भी आपको यूज करना है तो 1 दिन पहले इसमें पानी ना दें। जैसे देख रहे हैं आप, मिट्टी इसकी कितनी सूखी सूखी है, ये देखिए, है ना। तो आपको फिर इसको DAP को इस तरह से थोड़ी सी गुड़ाई करने के बाद इधर ऐसे चारों तरफ कम से कम इस, ये जो गमला है, इसके अकॉर्डिंग आपको 10 या 15 20 20 दाने तक ये सफिशियंट है। और दूसरी चीज है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं, ये है ये देखिए एप्सम सॉल्ट है, है ना। तो ये एप्सम सॉल्ट भी आप इसमें इसी के साथ यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन पूरे मिलेंगे, जिससे कि आपका प्लांट ग्रीन भी रहेगा और आपके ये फूल, बहुत सारे फूल लाने में आपकी मदद करेगा। तो इस तरह से ये मिलाने के बाद आपको इस तरह से इसे कर देना है। और इसमें जब भी आप खाद लगाएं इस तरह की फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें आपको उसी समय वाटरिंग भी करनी है। तो आपको इस तरह से हमने ये यूज कर लिया है। और जब भी आप इस खाद को यूज करें तो लगभग 1 महीने बाद आप इसको रिपीट करें, और उसके बाद फिर बहुत जल्दी जल्दी आपको नहीं देनी है इसमें खाद। 1 या 2 बार आप देंगे तो आपका प्लांट, देखिए मैंने 1 महीने पहले दिया था इसमें, और ये देख रहे हैं आप प्लांट किस तरह से मेरा, ये देखिए फूलों से पूरी तरह से ये भर चुका है। तो इसके साथ में एक दूसरा प्लांट भी इसी में लगा हुआ है, इस पर अभी फूल नहीं आए हैं इसकी, ये मैंने बाद में इसी में ऐड कर दिया था। तो आप ये देख रहे हैं, इसकी प्रूनिंग भी बहुत जरूरी होती है, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। ये आप देखिएगा यहाँ से, ये देखिए, और ये यहाँ पर भी मैंने प्रूनिंग की है इसकी, तो ये ब्रांचेस निकली हैं। तो इस तरह से प्रूनिंग भी बहुत जरूरी होती है। जितने भी इस पर फूल आए हुए हैं ना, ये सूखने के बाद इस पर दोबारा फूल नहीं आएंगे, तो आपको इसको लाइट प्रूनिंग करनी होगी, जिसके बाद फिर से नए ब्रांचेस निकलेंगी, नए नए पत्ते आएंगे और इस पर फूल आएंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने इसमें प्लांट में वाटरिंग कर दी है और इसमें पूरा पानी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ताकि ये नीचे तक पानी, मिट्टी में नीचे तक गमले के पहुंच सके। तो बहुत अच्छे से वाटरिंग कर दें।
तो फ्रेंड्स, जो मैंने डीएपी यूज किया है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी का जो फुल फॉर्म होती है, वो हमारे प्लांट्स के लिए जो रूट सिस्टम है, रूट्स को डेवलप करने में और प्लांट को हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, जो मैंने एप्सम सॉल्ट यूज किया है, वो उसमें ना मैग्नीशियम सल्फेट बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो जो हमारे प्लांट्स को ग्रीन कलर तो देता ही है, साथ में ब्लूमिंग, बहुत अच्छी ब्लूमिंग में भी हेल्प करता है। तो आप एक बार इसको यूज करके देखें, और जब भी आप इसे यूज करें तो फ्रेंड्स, इसको एक महीने से पहले आप रिपीट ना करें। एक बार इसको देने के बाद एक महीने बाद इसको रिपीट करेंगे तो आपको इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। ये देखिएगा, मैंने एक महीने पहले किया था और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम इस पर और भी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से आऊंगी। तब तक के लिए बाय।